खबर मिर्जापुर से है, जहाँ पर थाना जिगुना क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन रामलीला का मंचन बाबा लाल नाथ द्वारा 105 वर्ष पूरा होने के पश्चात बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। इस वर्ष विजयदशमी के पावन पर्व पर बाबा लाल नाथ द्वारा स्थापित रामलीला व भैरव गुफा का स्थापना किया गया। राजा विजयपुर स्वर्गीय श्रीनिवास रामलीला देखने आते थे। श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर असत्य पर सत्य की विजय हासिल की। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। समिति द्वारा राजा रामचंद्र का तिलक अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। दीपक पांडे द्वारा घोषणा किया गया कि जो गरीब है रामलीला मंच पर शादी करेगा उसे 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह संत की रामलीला है और बाबा लाल नाथ ने इसको स्थापित किया है। बड़े भाग्य से जो है संतों का दर्शन होता है जी जी। और हमारे गांव का परम सौभाग्य था जी कि हमारे गांव में बाबा लाल नाथ आए और उन्होंने दो चीज़ें हम लोगों को दे करके यहां से गए जी जी। पहली चीज़ तो उन्होंने गुफा जो घरवास पट्टी में है भैरव बाबा की वहां उन्होंने स्थापना की जी जी। और दूसरा कार्य उन्होंने हमारे यहाँ बाबा लाल नाथ के द्वारा स्थापित रामलीला समिति है जो आज हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को संस्कार देती चली आ रही है। लगभग कितने वर्षों से चल रहा है रामलीला समिति? बहुत एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता लेकिन दादाओं के द्वारा जो सुना गया है 17-18 से ये रामलीला अनवरत चलती आ रही है। इस समय कितना वर्ष हो गया है? 105 वर्ष के लगभग हो गए। क्या कहना है आपका? राजा विजयपुर आते थे, बाबा लालनाथ महाराज जो यहाँ थे, संत थे जो है, उन्हीं के द्वारा यह रामलीला जो है स्थापित किया गया है। और राजा विजयपुर भी इस रामलीला में आते थे, सम्मिलित होते थे जो है। हमारा नाम विनोद कुमार तिवारी है जी जी। और ग्राम सभा का धना जी। मैं तो पहले यहाँ सभी ग्राम वासियों क्षेत्रवासियों को विजयदशमी के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हमारे अध्यक्ष जी हैं और कोषाध्यक्ष जी हैं और व्यास जी हैं जी। इन लोगों की इतनी ज़्यादा मनोशक्ति इतना प्रबल रहती है कि यहाँ रामलीला बहुत अच्छे से खेला जाता है जी। और यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है, दानदाता सब हैं, एक से बढ़कर एक देने वाले जी। बिल्कुल बिल्कुल। सबको प्रेरणा देते हैं, बाबा लालनाथ की कृपा है, सब उसमें अपना सहयोग करते हैं, तन मन धन से सब लगे रहते हैं। इसमें दान की बात नहीं है, दान सब देते हैं, कोई धन से देता है, कोई अपने मन से देता है, कोई धन से देता है, यहाँ सब लगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ये एकजुटता हमारे यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखने को मिलती है। और सबसे ये है कि जो भी कलाकार हमारे यहाँ हैं वो अपना तन मन से समर्पित रहते हैं, अपने जितना इच्छा रहती है मन से प्रबल से होके अच्छे से रामलीला करते हैं। सजी इसका उद्देश्य क्या सजी है? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि माने जो बुराई है उसको ख़त्म करना है। हम लोगों को रामलीला के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि बुराई से अच्छाई की जीत हो और आगे आने वाली पीढ़ी जो कि जैसे जो नए नए पीढ़ी तैयार हैं, जैसे बच्चे जो हमारे यहाँ इस समय पे कर रहे हैं, उनमें एक जागरूक पैदा हो रही है, एक माने अच्छा संदेश जा रहा है जो कि आने वाले और बच्चे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी कितने वर्षों से निभा रहे हैं आप सब? लगभग 20 साल से जी जी। तो यहाँ की जो पूर्व प्रधान थी कुछ घोषणा भी की है? हाँ, उन्होंने घोषणा किया था कि क्या घोषणा हुई थी कि धनुष यज्ञ के दिन जी जो भी गरीब जन यहाँ पर जी जी आएंगे शादी ब्याह के लिए जी, यहाँ पर 51,000 रुपये का उनका सहयोग जी जी रहेगा। बिल्कुल। और हम लोगों का यही मानना है जी, हमारी समिति भी कुछ न कुछ उनका सहयोग दिया जाएगा। मिर्जापुर से अमरनाथ गौतम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।